वेलकम टू माय चैनल कामली रिंग्स। सो गाइस, मैं हूं रीमा और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं प्रोडक्ट रिव्यू। और आज जिस प्रोडक्ट का हम रिव्यू करने वाले हैं वो प्रोडक्ट है हमारा ये है द डर्माकोर की सरामाइड प्लस एचए इंस्टेंस मॉइस्चराइजर क्रीम। सो गाइस, आज हम इसका रिव्यू करेंगे। अगर आपने इस प्रोडक्ट को बाय कर लिया है या करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज हम द डर्माकोर के मॉइस्चराइजर की बात कर रहे हैं और ये मॉइस्चराइजर मैं पूरी तरह से फिनिश कर चुकी हूँ। फिनिश करने के बाद मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। पूरी तरह से ये फिनिश हो चुकी है। आप देखिए, इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं, टोटली फिनिश हो चुकी है। पूरी तरह से कुछ भी नहीं है इसमें, देख सकते हैं आप पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है। तो मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ आफ्टर फिनिश, पूरी तरह से खत्म करने के बाद मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। गाइस, एक्चुअली होता है क्या है ना, एक दो बार यूज करके कोई भी चीज पता नहीं चलती। अगर आप उसे पूरी तरह से यूज कर लेते हैं तो उसका आपको एटलीस्ट कुछ तो रिजल्ट मिलता है, अच्छा या बुरा, तो आप उसे एग्जैक्टली बता पाते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है। एक दो दिन में प्रोडक्ट का पता नहीं चलता है कि वो एग्जैक्टली प्रोडक्ट कैसा है। तो इस क्रीम को मैं पूरी तरह से फिनिश करने के बाद आपको रिव्यू दे रही हूँ। इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है, मिंट ग्रीन कलर में, और इसके अंदर ये इस तरह की ट्यूब थी, बहुत अच्छी तरह से पैक होके आया था ताकि किसी भी तरह से प्रोडक्ट डैमेज ना हो। वैसे प्रोडक्ट वैसे भी डैमेज होने वाला नहीं था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूरे प्रोडक्ट की कि प्रोडक्ट कैसा है, कि इसकी क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग है इसकी ट्यूब फॉर्म में और इसकी क्वांटिटी है 50 g एंड इसका प्राइस है 349 rupees। क्रीम है ड्राई स्किन वालों के लिए, जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए ये मॉइस्चराइजर क्रीम है। सो नाउ बात करते हैं हम इसके मेन इंग्रेडिएंट्स की। सो इसके दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, फर्स्ट है हमारा सेरामाइड्स एंड सेकेंड है हमारा हाइड्रोलॉनिक एसिड, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग रॉन्ग। सो गाइज, ये दो मेन इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो हमारा सेरामाइड हमारी स्किन पे क्या वर्क करता है पहले वो देख लेते हैं। सेरामाइड क्या काम करता है, सेरामाइड हमारी स्किन पे एक लेयर बनाता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिससे कि हमारा मॉइस्चर लॉस नहीं होता, हमारी स्किन मॉइस्चर नहीं खोती है। तो सेरामाइड का ये काम होता है और जिसकी वजह से हमारी स्किन अंदर से सफल, सॉफ्ट और मॉइस्चराइज्ड लगती है। सो गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सेकंड प्रोडक्ट की, वो सेकंड इंग्रेडिएंट की। तो सेकंड इंग्रेडिएंट है हमारा हाइड्रोलॉनिक एसिड। हाइड्रोलॉनिक एसिड हमारे स्किन में जो टिश्यूज होते हैं उसकी नमी को कम नहीं होने देता, हेल्प्स टू रिटेन कोलेजन, यानी कि ये कोलेजन को बनाए रखने में हेल्प करता है और साथ ही आपकी स्किन की इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखता है। सो ये काम होता है हाइड्रोलॉनिक एसिड का। नाउ हम बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट को कैसे, कब और किस तरह यूज किया जाता है। सो बात करते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। तो यूज करना है आपको इसे फेस को वॉश करने के बाद इस मॉइस्चराइजर क्रीम का यूज करना है और ये आपको करना है मॉर्निंग में और नाइट में। तो इसे लगाने के बाद आपको किसी और क्रीम का यूज नहीं करना है। सो ये था कि आप इस क्रीम को कैसे यूज कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं कि ये क्रीम वर्क कैसे करती है और किस किस चीज पर ये वर्क करती है। सो गाइस, जो कंपनी कहती है इस प्रोडक्ट के बारे में, पहले मैं आपको वो बताती हूँ। सो कंपनी कहती है इस प्रोडक्ट के बारे में, ये जो सेरामाइड एचए इंस्टेंस मॉइस्चराइजर है, ये 72 hours तक आपके मॉइस्चराइजर को स्किन में लॉक करता है और आपकी स्किन सॉफ्ट बनी रहती है, ये कंपनी कहती है इस प्रोडक्ट के बारे में। नाउ कंपनी कहती है कि अगर आपकी स्किन डल, ड्राई, इरिटेटेड और एज साइंस नजर आ रहे हैं आपकी स्किन पे, तो उन सभी पे ये मॉइस्चराइजर वर्क करता है और आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सबल बनाता है। सो ये आपके स्किन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जिसकी वजह से आपकी स्किन जो इरिटेट हो रही है वो सॉफ्ट हो जाती है और अगर आपकी स्किन पे कोई एजिंग साइन है तो वो भी रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। सो बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की, जो कंपनी कहती है इस प्रोडक्ट के बारे में कि ये ट्रीट करता है एक्ने एंड पिगमेंटेशन को। सो गाइस, ये तीन पॉइंट्स मैंने आपको बता दी है जो कंपनी दावा करती है कि ये प्रोडक्ट काम करता है इस तरह से आपकी स्किन पे। सो गाइज, अब मैं बताती हूँ ये मेरी स्किन पे किस तरह से वर्क करा है या नहीं करा, इसके रिजल्ट कैसे रहे। तो फर्स्टली आप जानिए कि मेरी स्किन कैसी है। मेरी स्किन है ड्राई, और ड्राई भी नहीं, एक्सट्रीम ड्राई स्किन है मेरी। सो मुझे एक ऐसा मॉइस्चराइजर चाहिए था जो मेरी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करे, हाइड्रेटेड रखे और सॉफ्ट, और जो भी अब जैसे कि एज बढ़ना शुरू हो जाती है तो आपके
स्किन पे एजिंग साइन शुरू हो जाते हैं, तो किसी तरह का कोई एजिंग साइन नजर ना आए। और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेरे को ज़रूरत थी कि मेरी स्किन हाइड्रेटेड रहे। सो गाइज, इसी वजह से मैंने इस प्रोडक्ट को बाय किया था, बिकॉज ये वो सारी चीज़ों को दावा करती है कि स्किन आपकी हाइड्रेटेड रहे, आपकी स्किन पे कोई एजिंग साइन शो नहीं होंगे, और ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट क्रीम है। सो उसी चीज़ को देख के मैंने इस प्रोडक्ट को बाय किया। सो गाइज, बाय करने के बाद जिस तरह से मैं इस क्रीम को यूज़ करती रही, फर्स्टली जब ये आपकी स्किन पे एक लेयर बनाता है, आप जब इसे लगाते हैं ना, लगाने के बाद आप इसको छोड़ दें, जब आप इसको फेस से वॉश करेंगे, जब आप पानी से इसको वॉश करेंगे ना अपने फेस को, तो आपको लगेगा कि आपकी स्किन पे कुछ है, मतलब उतरता है, चिकना चिकना लगता है, यानी कि आपकी स्किन के अंदर ये पेनिट्रेट नहीं होता, स्किन के अंदर तक, अंदर की लेयर तक ये नहीं जाता है। तो फिर इस मॉइस्चराइजर का फ़ायदा क्या, कोई भी मॉइस्चराइजर हो या सिरम हो या कुछ भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, अगर आपकी स्किन के अंदर वो नहीं पेनिट्रेट होगी, नहीं जाएगी, तो आपकी स्किन अंदर से हील कैसे होगी। सो उस चीज़ की वजह से, जैसे कि मेरी ड्राई स्किन है, तो मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जो मेरी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो, अंदर जाए और अंदर से मेरी स्किन को अंदर से रिकवर करे, अंदर से हील करे, अंदर से हाइड्रेटिंग बनाए, मॉइस्चराइज करे। लेकिन ऐसा मुझे इस प्रोडक्ट में बिल्कुल नज़र नहीं आया। इसकी एक लेयर ही बनी रहती है, जैसा कि इन्होंने लिखा हुआ है, जैसे कि इस प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है कि एक लेयर बनाते हैं, तो बस एक लेयर ही रहती है, वो फेस के ऊपर रहती है, अंदर नहीं जाती। कोई फेस के अंदर लेयर नहीं बनती, या फेस के अंदर वो एक बॉन्ड नहीं बनाता, सिर्फ फेस के ऊपर एक लेयर रहती है और वो लेयर कोई वर्क नहीं करती। सो गाइज, ये मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रीट करती है एक्ने एंड पिगमेंटेशन को। तो गाइज सॉरी, एक्ने का तो मैं नहीं कहती, बिकॉज एक्ने मेरी स्किन पे नहीं है, बट पिगमेंटेशन पे ये बिल्कुल वर्क नहीं करती, जीरो रिजल्ट है इसका। मेरे पिगमेंटेशन है यहाँ पे हल्की सी लाइट फॉरहेड पे है, दोनों साइड में, और लाइट थोड़ा सा लाइटली यहाँ पे और यहाँ पर है चेक्स पे। सो गाइज, मतलब बिल्कुल 2 महीने में हल्का सा कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए था, बट मुझे इसका रिजल्ट जीरो नजर आया। और पिगमेंटेशन तो बहुत दूर की बात है, मुझे ये ड्राई स्किन की वजह से मैंने इसको लिया था कि स्किन हाइड्रेटिंग रहेगी, लेकिन मेरी स्किन में मुझे इसका कोई, मतलब आप लगाएंगे ना, लगाने के बाद भी आपकी स्किन ड्राई ड्राई रहेगी आप। सो गाइस, ये क्रीम समर्स में तो फिर भी वर्क कर जाएगी, लेकिन विंटर्स में बिल्कुल काम नहीं करेगी, बिकॉज विंटर में आपकी स्किन जिस तरह से, जैसे जो ड्राई स्किन वाले, एक्सट्रीम ड्राई वाले होते हैं ना, वो नहाने के बाद उन्हें फील होता है कि उनकी स्किन बहुत खिंची खिंची लग रही है, वैसा इसे लगाने के बाद भी होता है। इसे लगाने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल भी मॉइस्चराइज नहीं होती, आपकी स्किन बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रहती, आपको फिर भी लगता है कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है। मुझे इसे लगाने के बाद ना फेशियल ऑयल का यूज़ करना पड़ता था, तब जाके मेरी स्किन सॉफ्ट लगती थी, बट मुझे इसका रिजल्ट देखना था तो मैं उसे नहीं लगा रही थी। सो मैं इसको सिर्फ सेपरेट इसका रिजल्ट देखने के लिए मैं इस क्रीम का यूज़ कर रही थी, और जिसका रिजल्ट मुझे नज़र आया बिग जीरो। मुझे इसमें कुछ भी नहीं नज़र आया कि यार ये किसी तरह से मेरी स्किन पे अच्छे से मेरी स्किन को कहीं से भी मॉइस्चराइज कर रही हो। पिगमेंटेशन की तो मैं बात ही नहीं कर रही, पिगमेंटेशन पे तो ये वर्क बिल्कुल नहीं किया, लेकिन इसने मेरी स्किन को मॉइस्चराइज भी नहीं किया। तो जैसे कि दावा करते हैं ड्राई स्किन वालों के लिए मॉइस्चराइजर है, तो नो, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, तो ये आपकी स्किन पे वर्क कर सकता है, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है या एक्सट्रीम ड्राई है, तो आपकी स्किन पे बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। सो गाइज, आई विल नॉट सजेस्ट कि कोई भी ड्राई स्किन वाला इसको बाय करे, बिल्कुल भी ये ड्राई स्किन पे काम नहीं करती, टोटली वेस्ट क्रीम है। सो गाइज, ये मेरा रिव्यू है अबाउट दिस प्रोडक्ट। हो सकता है कि आपको सूट करी हो, अगर आपको सूट करी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, बिग नो फॉर दिस प्रोडक्ट। तो ये था मेरा रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट। सो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ, लव यू गाइज, बाय गाइज। और यस गाइज, अगर वीडियो पसंद आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हो सके तो एक शेयर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।